नमस्कार, आज मैं आपको अपना कलेक्शन दिखाऊंगी, जो मेरा सेकेलेंड का कलेक्शन है। ये मैंने दो कैटेगरी में डिवाइड किया है। एक कैटेगरी है जो सनलाइट पसंद करती है, और ये वाली कैटेगरी है जो पार्शल सेड पसंद करती है। तो दो कैटेगरी में मैंने आज इनको डिवाइड किया है। आज मैं आपको इनके प्राइस और इनके नाम बताऊंगी। तो प्लीज़ दोस्तों, आप इन्हें देखिए, आपको अच्छे लगे तो इन कमेंट ज़रूर कीजिएगा। देखिए, मेरा ये प्लांट है, इसको फेडल लीव या फिर बर्ड ब्रैंडी कहते हैं। मेरे पास इसके ये दो प्लांट हैं, और आप देख सकते हैं इस वाले में तो यहाँ पे बेबी भी निकले हुए हैं छोटे छोटे, ये आप देखिए इसमें। सो इसको बर्ड ब्रैंडी या फिर फेडल लीव कहते हैं। इसकी पत्तियाँ गुदेदार होती हैं, और इसके जो एजिज होते हैं, ये किनारे जो होते हैं यहाँ पे, ये रेड कलर के होते हैं। आप देख सकते हैं एक शेड सी यहाँ पे रेड कलर की आपको दिखाई देगी, इसमें भी आप देख सकते हैं। तो ये वाले का जो प्राइस है 150 रुपीज़, जो मैं लेके आई थी वो 150 का मुझे दिया था, और वो प्लांट इतना सा था सिर्फ। ये आप देख सकते हैं, ये वाला जो प्लांट है ना ही साइज़ था उस प्लांट का जब मैं लेके आई थी, 150 का। मेरा ये दूसरा सेकेलेंड प्लांट है, लक्ष्मी कमल जिसको कहते हैं। इसमें भी एक बेबी प्लांट है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। ये भी मुझे 150 का मिला था, लेकिन ये अभी और भी बड़ा हो गया है। जब मैं लेके आई थी तब ये छोटा था, और आप देख सकते हैं ये उसी पॉट में है जिसमें मैं लेके आई थी। बिल्कुल छोटा सा ये पॉट है, मुश्किल से ये पॉट 3 इंच का होगा। तो इसी में ये अच्छे से ग्रो कर रहा है, और ये भी 150 का मुझे मिला था। अभी मेरे पास ये दो प्लांट हो जाएंगे, ये बेबी मैं निकाल के दूसरे पॉट में रिपोर्ट कर दूंगी। और ये वाला देखिए आप, ये स्नेक प्लांट है। मेरे पास में दो वेराइटी हैं, इसको बर्ड नेस्ट कहते हैं, और ये सिंपल वाली वेराइटी है। ये मुझे एक मेरी फ्रेंड ने दिया था, लेकिन आपको ये इजीली नर्सरी पे मिल जाएगा 50 या 60 रुपीज़ का। इसमें देखिए अब बहुत सारे बेबी निकले हुए हैं। एक बार आपके गार्डन में अगर ये आ गया तो फिर कभी नहीं जाएगा। स्नेक प्लांट एक इतना अच्छा प्लांट है कि ये हमेशा ऑक्सीजन रिलीज करता है। ये वाला जो प्लांट है, आपको ये रूम के अंदर रखना चाहिए। ये ऑक्सीजन रिलीजिंग प्लांट है, और नासा द्वारा अप्रूव्ड है। दूसरा मेरा प्लांट ये देखिए आप, ये काफ़ी बड़ा था, लेकिन ये बारिश की वजह से ख़राब हो गया था, क्योंकि मैं इसको बारिश में भूल गई थी। ये भी एक सेकेलेंड की ही वैरायटी है, इसका नाम मुझे नहीं पता है दोस्तों, अगर आपको पता हो तो मुझे बताना। ये मुझे 100 का मिला था, ये काफ़ी बड़ा था इतना, लेकिन ये बारिश की वजह से ख़राब होने की वजह से अभी मेरे पास ये इतना ही बचा है। एक ये वाली वैरायटी देखिए, इसको कहते हैं सीडम, सीडम की एक वैरायटी है ये, और ये मुझे 120 का मिला था, लेकिन सिर्फ ये इतना सा ही प्लांट था जो ये यहाँ पे ग्रो हुआ है। ये इतना सा ही प्लांट था, और आप अभी देख सकते हैं पूरा पॉट ये भरा हुआ है। और इससे मैंने इस वाले प्लांट से इसको बनाया है, ये पूरा पॉट मेरा फिल हो गया है, लेकिन जो इसका मदर प्लांट है वो ये है। जब मुझे मिला था सिर्फ इतना था ये मदर प्लांट जो है इसका, आप देख सकते हैं पूरा पॉट भरा हुआ है। और मैंने इससे और भी प्लांट बनाए हैं, यहाँ से मैंने कट करके इसका दूसरा प्लांट भी बनाया हुआ है। अभी मैं दो ही पॉट आपको दिखा रही हूँ। आप अगर इसका प्लांट बनाना चाहते हैं, आप यहाँ से कट करके दूसरे पॉट में इसको रिपोर्ट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं इसमें बहुत सारे प्लांट अंदर ही अंदर ग्रो भी हो चुके हैं। तो ये मुझे मिला था 120 का। अब मैं आपको दिखाती हूँ जो सन लविंग प्लांट है, आप इसे देख सकते हैं। ये वाला जो प्लांट है मेरा, इसको देखिए, ये देखिए फ्रेंड्स, ये जेड प्लांट है। मैंने इसको एज ए बोनजाई ग्रो किया है, आप यहाँ देख सकते हैं इसकी स्टेम, और ये इसकी रूट्स ऐसे बनी हुई हैं, आप इसको देख सकते हैं। एक ट्री की शेप इसने ले ली है। आप इसकी बहुत सारी शेप बना सकते हैं, मैंने भी इसकी बहुत सारी टोपियारीज बनाई हैं, किसी और वीडियो में आपको दिखाऊंगी। एक ये मैंने बनाया है, ये देखिए, इसी का ही प्लांट है ये, आप इसको देख सकते हैं। सो आप ऐसे भी इनकी टोपियारी तैयार कर सकते हैं। ये आपको इजीली किसी भी नर्सरी पे 100 का मिल जाएगा। सो आप इससे बहुत सारे प्लांट बना सकते हैं। नेक्स्ट प्लांट है क्लांचो, ये भी सकलेंट कैटेगरी के ही होते हैं, क्योंकि इनकी पत्तियों में आप देख सकते हैं वाटर रिटेन होता है। इनकी जो पत्तियां होती हैं वो गुदेदार होती हैं, इनमें पानी भरा होता है। तो क्लांचो भी एक सकलेंट
कैटेगरी का ही प्लांट है। ये वाला सिंपल क्लांचो है जो देसी वैरायटी बोलते हैं, और ये हाइब्रिड है, मैंने अपने पिछले वीडियो में भी दिखाया था। हाइब्रिड आपको थोड़ा कॉस्टली मिलेगा, ये आपको 150-160 की रेंज में मिलेगा। अगर आप बड़ा प्लांट ले रहे हैं तो आपको 250 तक भी मिल सकता है, और ये वाला आपको 30 या 40 रुपीज़ में मिल जाएगा। जो सिंपल वैरायटी है आपको 30 या 40 रुपीज़ में मिल जाएगा। इसके भी आप बहुत सारे प्लांट तैयार कर सकते हैं। ये वाला करसुला ओबाटा, जिसको घर में लगाना बहुत शुभ मानते हैं, इसे कहते हैं कि ये लक्ष्मी को अपनी तरफ खींचता है, ये प्लांट बहुत शुभ माना जाता है घर में लगाना, कैरासुला ओबाटा। ये जब मुझे मिला था ये इतना सा था, जब मैंने इसको ख़रीदा था तब ये इतना सा था। बहुत सारी नर्सरी पे घूमने के बाद मुझे ये प्लांट मिला था। जब मैंने इसको ख़रीदा था तब मुझे ये 120 का मिला था, लेकिन अभी आप देख सकते हैं गर्मियों में इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाती है, सर्दी में थोड़ा सा डोरमेंसी में रहते हैं। एक और प्लांट आप ये देखिए, इसका नाम फ्रेंड्स मुझे नहीं पता है, अगर आपको पता है तो आप बता सकते हैं। ये मैंने इसमें लगाया था और मुझे बहुत सुंदर लगा था। जब मैंने ये लिया था मैंने उनके पास बड़ा प्लांट देखा था जिसमें फ्लावर आए हुए थे, तब मैंने ये छोटा प्लांट उनसे लिया था। ये मुझे 100 में मिला था, और अभी आप देख सकते हैं इसकी जितनी भी ब्रांच हैं सब ऐसे गई हुई हैं जैसे कोई ऐसे गर्दन लटका के, जैसे सारस वगैरह खड़े होते हैं ना इस तरीके से, सब बैंड हुई हैं। आप देख सकते हैं हर एक ब्रांच यहाँ से ऐसे गई है, फिर यहाँ जाके ये बैंड हो गई हैं। जितने भी फ्लावर्स इस पे बनने वाले हैं, बर्ड्स बनी हुई हैं, सब आप देख सकते हैं। ये देखिए सारी ब्रांचेस बैंड हो चुकी हैं यहाँ से, इनकी जो टिप्स हैं वो सब। सो फ्रेंड इसका नाम मुझे नहीं पता है कि क्या है, अगर आपको पता है तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। तो मैंने आज आपको बताया कि सकलेंट की कितनी वैरायटी मेरे पास हैं। सो दोस्तों एक और वैरायटी है जो अभी डोरमेंसी में है, ये देखिए ये वाला प्लांट है अडेनियम, ये मेरे पास 5 साल से है, और इसका कोडेक्स आप देख सकते हैं कितना मोटा है, और इसका डिज़ाइन भी अभी ये डोरमेंसी में है। देख सकते हैं इसकी जो पत्तियाँ हैं वो सब सूख चुकी हैं, जैसे ही फैब मिड आएगा तब इस पे न्यू ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी, और इसके जो फ्लावर हैं वो बहुत सुंदर आते हैं, बिल्कुल गुलाब की तरह। ये वाली जो वैरायटी मेरे पास है ये प्लांट, इसके ऊपर बिल्कुल गुलाब की तरह फूल आते हैं, और इसके फूल 15 दिन तक भी नहीं ख़राब होते, 15-20 दिन तक इसका एक एक फूल खिला रहता है। ये प्लांट भी मेरा बहुत ही प्यारा प्लांट है, ये मेरा सबसे सुंदर और सबसे प्यारा प्लांट है जिसे मैं बहुत ज़्यादा केयर करती हूँ। इसे हालांकि ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं होती, देखिए इसको पानी की भी कोई ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती, और इसका कोडेक्स आप देख सकते हैं। तो इसे फ्रेंड आप ले सकते हैं, जब मैंने ये स्टार्टिंग में लिया था तब सिर्फ ये इतना मोटा था, जैसा ये यहाँ से है सिर्फ इतना, ये मुझे 250 में मिला था, 250। इतना मेच्योर प्लांट अगर आप लेंगे कम से कम ये 1500 तक आएगा, अगर आप 5-year-old प्लांट खरीदेंगे तो। सो दोस्तों ये मेरा कलेक्शन है जो मेरे पास सकलेंट हैं, जो छोटी जगह में या फ्लैट में रहते हैं उनके लिए सकलेंट बेस्ट ऑप्शन है अपने घर में लगाने के लिए। तो आप इनमें से कोई भी चूज़ कर सकते हैं जो आप ख़रीद सकते हैं और इनको लगा सकते हैं। इनकी केयर और इनका फर्टिलाइज आप कैसे करेंगे वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। राधे राधे।